क्या तुम लोगों ने कभी द अमेजिंग डिजिटल सर्कस के बारे में सुना है? ये काफी बढ़िया एनिमेटेड शो है जो 4 मंथ्स पहले रिलीज हुआ था और तुम लोग इसके व्यूज देखो 276 मिलियन व्यूज। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है लेकिन इस शो को आई थिंक इंडिया में किसी ने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा। लेकिन द अमेजिंग डिजिटल सर्कस किस बारे में है ये शो? तो ये शो एक साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी है और वो भी क्यूट कार्टून कैरेक्टर्स के, जिन्हें उस सर्कस में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं और वहां से वो जाना चाहते हैं। ओके, इसका प्लॉट हमें समझ में आ गया है। ये ग्लिच चैनल से इसको हम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है, तुम लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलो हम लोग ये एनिमेटेड शो देखना शुरू करते हैं। तुम लोग भी कोई स्नैक्स ले आओ क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। द अमेजिंग डिजिटल सर्कस। अमेजिंग डिजिटल सर्कस में स्वागत है। मेरा नाम है केन, मैं हूँ आपका रिंग मास्टर और मैं लेकर आया हूँ चमड़ा तोड़ू, दिल जोड़ू और दिमाग मोड़ू चीजें, जिन्हें देखकर आपकी आंखें सॉकेट से बाहर आ जाएंगी। सही बोला ना बबल? बिल्कुल सही उस्ताद, मैं देखने के लिए उछल रही हूँ कि आज क्या धमाल होगा। चलो टाइम खोटी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ये अमेजिंग शो। ओके, हमें यहाँ पे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा केन को, CANE, और फिर ये बबल, ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर, इसका नाम है गैंगल। रिबन से बना है ये पूरा। ओके, ये है जूबल, भाई ये तो पूरे कचरे से बनी हुई है। ये है किंग, इसका नाम है रैगथा, और ये है जैक्स। ओके, ये देखो जैक्स को, और ये है कॉफमो, एक क्लाउन। ओके, और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया है, कॉफमो द क्लाउन डिड नॉट शो अप टुडे। अच्छा, कॉफमो आया ही नहीं शो में। ठीक है, चलो। ये तो बहुत मजेदार है। ओ, ये एक और आ गई। बाजार एग्जिट है, एग्जिट गायब हो गया। सारे कैरेक्टर्स आ गए। केन, ये कौन है? बोले तो ये कोई टाइम पास आइटम है या फिर कोई नया कैरेक्टर है? क्योंकि नया कैरेक्टर है तो पूरा गाना फिर से करना पड़ेगा बॉस। मैं फिर से नहीं करने वाली। अरे वाह, लगता है इस दुनिया में एक नए इंसान ने एंट्री मारी है। बस हेडसेट को उतारू कैसे? ताकत लगा के खींचो बेटा, एक दो साल में निकल जाएगा। क्या ये सब चल क्या रहा है? मैंने एक अजीब सा हेडसेट पहन लिया था और मैं यहाँ पहुंच गई। तुम लोग आके हो कौन? मैं इसे उतार क्यों नहीं पा रही हूँ? ओके, रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग कोई हेडसेट पहन लेते हैं, जैसे कोई VR का हेडसेट, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं द डिजिटल सर्कस में। शांत हो जाओ छुटकी, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब लोग ये झेल चुके हैं, तुम्हें बस थोड़ा सा शांत नहीं, नहीं 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 बच्चे, तुम्हें एक बात बताऊं, देखो यहाँ पर उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। द अमेजिंग डिजिटल सर्कस की दुनिया बनी है बूढ़ों से लेकर बच्चों तक के लिए। नन्ही परी, तुमने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा है जो बेहद करिश्माई है, जहाँ कुछ भी हो सकता है सिवाय गाली देने के। गाली नहीं दे सकते। ये मेरी तरह है, जब मेरे को गुस्सा आता है ना, यू नो। ओह माय गॉड, मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? देखो, तुम्हें ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। क्या? Shut up, Jax. वैसे ये सही कह रहा है, अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी बॉडी है। यही मेरा घर है और मेरी बॉडी? दोस्तों, छुटकी को डरा हुआ है। बोले तो हम सालों से यहाँ फंसे, ये जो किंगर मामू है ये तो जमाने से यहीं पर है। हमारे बारे में कौन कौन बुराई कर ये रहा ये है? तो चेस का पीस लग रहा है। ओहो, चेस में जो किंग का पीस होता है, ये डरावा रहता है। इसका दिमाग में केमिकल लोचा है। केमिकल लोचा है भाई किंग के। उसका नाम किंगर था वैसे। हाँ, किंगर। और ये पागल हो गई है भाई। ओके, अब मुझे समझ में आया, ये बस एक सपना है और जब तक उठ नहीं जाती ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, है ना? जो सोचना है सोचो। मेरा कॉमेडी मास्क तोड़ दिया। बोले तो गेन, छोकरी के लिए कोई नया एडवेंचर है कि नहीं? पहले जरा मैं हमारी इस ब्रांड न्यू मेंबर को अपने सर्कस का टूर तो करवा दूं। चल जमुरे।
ओके टू देना। ये है हमारा टेंट, यही है तुम्हारे सोने की और सपने देखने की जगह, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें करने की, बाकी सब कुछ से मेरा मतलब है। सोने की और सपने देखने की जगह, नहाना धोना और हल्का होना, और ये जगह है दी ग्राउंड्स। इस तरफ है तालाब और फिसल कुंडी का बाल, और इस तरफ है मेला और बुढ़ी का बाल। रात और दिन दोनों चकाचक, क्या चाहिए तुमको, बोलो फटाफट। भाई रात और दिन एक साथ कैसे हो रहा है? अरे नाजी ना, इसे कहते हैं शून्य। वॉइड, शून्य यानी अंडे में नहीं जाते, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि उसमें क्या है। तो हम लोग रहते हैं यहाँ, और यही वो जगह है जहाँ मेरी सैकड़ों आंखें सब कुछ ताके छाके। हेलो किंग, आई लव यू। जल्दी भागो यहाँ से, ये मून नहीं भूतनी है। ये रहा एग्जिट। और वो क्या है? अरे इस उल्टी को करना पड़ेगा कल्टी। मैं आ गई बॉस। साबुन स्लो क्यों है? अरे बापरी। सुनो सुनो, मैंने अभी वहाँ पर एक एग्जिट डोर देखा था, क्या वो बाहर जाने का रास्ता है? कौन सा रास्ता? कोई रास्ता होता तो हम कब के कल्टी हो गए होते। हाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं, बाहर जाने का रास्ते के बारे में इन लोगों को नहीं पता। मानो यहाँ से भागने का कोई भी जादुई रास्ता नहीं है। तुम शायद शिकार हो गई हो डिजिटल हेलुसिनेशंस की। तुम्हारे दिमाग में उल्टी चीजें चल रही हैं, इसलिए तुम्हें उल्टी हो गई। पर मुझे पक्का यकीन है। भ्रम की शिकार मत बनो। आओ हम कोई और बात करते हैं, चलो अपना नाम बताओ। मेरा नाम मेरा नाम है इसको नाम ही नहीं पता। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा क्या था मेरा नाम? इस डिजिटल सर्कस में आने के बाद किसी को भी अपना नाम याद नहीं रहता। तुम्हारे तो जब ये क्या है, जब इसको पता है कि किसी को नाम याद नहीं रहता तो इसको नाम क्यों पूछ रहा है ये? के ताले की चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। और हाँ, मैं तुम्हें एक नया झकास नाम जरूर दे सकता हूँ। ओके, नाम देगा भी इसको। क्या है मेरा नाम? अरे अपने इत्तु से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, तुम्हारा नया नाम कुछ भी हो सकता है। नाम वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी रख दो। तो ठीक है, लॉटरी से नाम है भाई। तो ये कैसा रहेगा? बहुत ही घटिया है, फिर से कोशिश करते हैं। ये कैसा? अच्छा नाम है। ठीक है, मुझे चक्कर। तुमने बिल्कुल सही बोला। पहली बार लॉटरी से किसी का नाम निकलते हुए देखा होगा। हमारी नई साथी बॉम्बे के लिए, और अभी एडवेंचर होगा। तुम्हें एडवेंचर पसंद है, मौज मस्ती, या फिर रोना धोना डरना मरना लड़ना झगड़ना रूठे मनाना या केक खाना? भुक्कड़ कहीं की? मुझे कुछ नहीं। क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं हो तो इसलिए हम लोग एक सिंपल सा घरेलू एडवेंचर करेंगे, तुम्हें इस जगह के तौर तरीके दिखाने के लिए। क्या? सिंपल एडवेंचर। मुझे फिर से घर घर बिल्कुल नहीं खेलना। तुम रहने दो जुबल, तुम मेरे हर एडवेंचर में मुंह बनाती रहती हो, पर इस बार हम ही तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। आज का एडवेंचर है ग्लोइंग्स इकट्ठा करना। ग्लोइंग्स पकड़ना। जी हाँ, सही सुना आपने। ग्लोइंग्स क्या होता है? फैलाएंगे ये गंदे ग्लोइंग्स, और तुम्हें इन सबको पकड़ना है। पर वो है क्या चीज? बहुत ही बेहतरीन सवाल। वो छोटे से करते क्या है? वो ग्लोइंग्स नन्हे मुन्ने बदमाश हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को चुरा कर खा जाते हैं। अच्छा, ये क्यूट दिखने वाले शैतान ऐसा क्यों करते हैं, इन्हें रोकना कैसे है, ये सोचना तुम्हारा काम है। चलो गुड लक, और मजे करो मेरे नन्हे सुपरस्टार्स। ओके, हमें उन लोगों को पकड़ना है, वो जो अजीब से थे स्टार एंड ये सब से। पर ये सब करना क्यों है? ये केन का तरीका है हम सबकी मदद करने का, ताकि हम टेंशन में पागल ना हो जाए। इससे मजा भी आता है और काम भी हो जाता है। मजा तुम्हें आता होगा। किसी को मेरी जरूरत है तो भाड़ में जाओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़। ये रे वो सारे ग्लोब, इसको ले गए भाई। बहुत बढ़िया। ओ तेरी, वो जुबल को खा गए। खाने से याद आया, कुछ खाने को है क्या? इसका नाम रैक्स। चलो हम लोग जाकर कॉफमो से मिलते हैं, उसे पॉमनी से मिलकर खुशी होगी। अच्छा, ये लोग कॉफमो से मिलने जा रहे हैं, वो क्लाउन जो आया नहीं है यहाँ पे। किला खा गए। आपको हमारे साथ कॉफमो से मिलने चलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, उसका तो दिमाग ही खराब है। पिछली बार भी वो किसी चीज के बारे में बार बार बोल रहा था, एग्जिट डोर। ठीक तुम्हारी तरह पॉमनी, शायद तुम भी पागल हो रही हो। पर अंकल जरा सोचिए, ये भी तो हो सकता है कि वो एग्जिट डोर सच में वहाँ हो।
और ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारे पागलपन की शुरुआत है। सुबल का क्या होगा? एग्जिट डोर है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा। शायद उससे इस बारे में पूछना चाहूंगी अगर ये सब असली होता तो, जो कि बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो एक सपना है। इसका भी सपना लग रहा है। शुक्री को अभी ये सपना लग रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अपन तुम्हारे साथ चलेगा, बस रास्ते में किसी ना किसी का पोपट होते रहना चाहिए। अपन अपनी बात नहीं कर रहा था छछुंदर। तुम, मैं और पॉम नहीं चलते हैं कॉफ मो के पास, और ये दुखी आत्मा और ये सूखी हड्डी जाकर जुबल को बचाएंगे, समझी क्या? तुम्हें इन दोनों को एक साथ भेजना सही लगता है? बोले तो सही छे, एक के आंसुओं की टंकी फुल है और दूसरे के दिमाग की टंकी खाली है। चलो अपन चले, जाकर उस जोकर को देखते हैं। ये लोग जा रहे हैं कॉस्मो से मिलने, वो लोग जुबल को बचाने जा रहे हैं, वो ब्लॉकिंग उसको उठा के ले गया। ये तो रोता ही रहेगा भाई। गैंगल, तुम यहाँ पर कब आई? वाओ, तो ये हमारी रहने की जगह नहीं, दरअसल रात को सोने की जगह। वैसे हमें सोने की कोई जरूरत नहीं है, पर कभी कभी थोड़ी कमर सीधी करनी पड़े तो लेट जाते हैं, यू नो, आराम करने। तुम्हारे लिए भी कोई कमरा जरूर। ओ, ये देखो, तुम्हें भी मिल गया। पर समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इस एडवेंचर की? इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सब यहाँ से निकलने के बारे में सोचे, कोई रास्ता ढूंढे। हमने बहुत ढूंढा था जब हम यहाँ पर नए थे, पर कुछ समय बाद हमने मान लिया कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, और बार बार नामुमकिन चीजों के पीछे भागने से दिमाग खराब होने लगता है। तो बेकार में दिमाग पर इतना जोर क्यों डालना? दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम जिंदा क्यों हैं और जीने का मतलब क्या है, और ज्यादा सोचने पर बाल नोचने का मन करता है और टकला होने का डर। ये आ गया कॉफ मुंह का कमरा। छोड़ो, आज ये सब सोचकर हम अपना दिमाग क्यों खराब करें? मेरा मतलब ये है कि एडवेंचर हमें बिजी रखता है ताकि दिमाग सही रहे और सही काम करे। यस, शुक्र है ये हकीकत नहीं सपना है ना पॉमनी? ये पागल हो रही है, इसको तो अभी भी सपना ही लग रहा है। हम आखिर यहाँ कर क्या रहे, क्या करने आए? अपने एक दोस्त से मिलने आए हैं। कॉफमो से एग्जिट के बारे में पूछने आए हैं ना ये लोग? हाँ, लगता है वो अपने कमरे में नहीं है, उम्मीद है वो ठीक होगा। फिकर नॉट गुड़िया रानी, अपन के पास चाबी है। उसकी चाबी तुम्हारे पास? तुम्हारे पास किसी की चाबी नहीं होनी चाहिए। बोले तो अपने पास सबकी चाबी है, पर कुछ हुआ क्या? वैसे आज अपन ने तेरे रूम में कुछ छोड़ा है, तो मिल जाए तो बताना। तुझे केकड़ों से डर वर नहीं लगता है ना? तुम जानते हो मुझे केकड़ों से डर लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? डर मत, मैं तो बस तेरे को ऐसे ही पूछ रहा था, हो सकता है मैंने केकड़ा नहीं बिच्छू छोड़ा। ये क्या है? एग्जिट, एग्जिट, ये पागल हो गया है। एग्जिट के बारे में सोच सोच के इसी को तो ढूंढ रहा था। इसको संभाल के रखने के लिए थैंक्स। माय गॉड, अपना काम हो गया, टाटा। ओह, कॉफमो का हाल बेहाल है। चलो चले, ये आखिर है क्या? वही जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, जब दिमाग का फ्यूज पूरी तरह उड़ जाता है। दिमाग का फ्यूज उड़ गया, हम इसे अभी ठीक कर सकते हैं अगर केन को बुला ले। देखो, मुझे पता है हमारी बनती नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हारे फालतू जोक्स पर हंसती नहीं थी। वैसे तुम्हारे जोक्स फालतू नहीं होते थे, मेरे मूड की वजह से वो फालतू लगते थे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, रेगा था मरने वाली है। ग्लिच हो गया, ये लोग मर नहीं सकते। ओह माय गॉड, हाथ भी ग्लिच हो गया। आई एम सॉरी। ओह, ये भाग गई। ओले, हेल्प नहीं किया इसने और ये खुद भी मुसीबत में पड़ गई। भाई ये कॉस्मो एकदम अलग कैसे हो गया, क्लाउन था ना ये तो। ये तो देखो भाग ही रही है यार, उसकी हेल्प नहीं कर रही। ओ नहीं नहीं, जा रही है, नहीं बुरी नहीं है ये, बुरी नहीं है अपनी पॉमनी। जा रही है कि नहीं? हाँ जा रही है। चलो, वैसे हम लोग इसमें झांक क्यों रहे हैं? क्योंकि गोलेक सुबल का एक टुकड़ा यहाँ नीचे लेकर गया था, याद है? ओ हाँ, वो याद दिलाने के लिए। हमारी जो एक फ्रेंड है जुबल, वो नीचे चली गई ना, उसको ग्लोकल्स लेके चले गए। कब तक देखते रहना है? और ये आ गया रैक्स। कितना बदमाश है ये। बोले तो सब ठीक ठाक? जैक्स, जुबल इस गोल होल में है। तो आने दे,
कॉफ वो कैसा है? रो रही है फिर? उसके जोक्स पर ना हंसने के लिए मुझसे नाराज तो नहीं है ना? आ, वो तो बिल्कुल चकाचक है। अपन ने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा है भाई मेरे। चलो अच्छी बात है, हमें लगा था उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। सही बोला। उसने मेरे को ये तुमको देने को बोला था। ये क्या? उए, ये तो बहुत बदमाश है। तेरी कहाँ जा रहा है लोग? ये क्या लिखा मतलब यहाँ पे? एक सेकेंड, ये लिखा है रेड कनाल। ओके ओके समझ गया। चलो ये लोग अंडरग्राउंड सर्कस में आ गए अभी कोई। भाई 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 ये तो बदमाशी करता हुआ जाएगा। मॉन्स्टर है यहाँ पे तो। ये तो कीड़े की ट्रेन है। कीड़े ये की तो ट्रेन? कचरा क्वीन है। कचरा क्वीन? हेलो रागिता, उसका नाम यही था ना? ये रही रागिता। हाय, देखो मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं, मेरा हाथ देखो, मैं बहुत डर गई थी। वही बात, अगर मेरी मदद करनी हो तो केन को ढूंढो। केन को ढूंढो। भाई केन सब कुछ कर सकता है, पर वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? पता नहीं, उसे ढूंढो और उसका पुकारो। ठीक है, मैं उसे लाती हूँ, तुम बस यहाँ से हिलना मत। ऐसे लगता नहीं हिल पाओगी, कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आई, आई प्रॉमिस। एक बात और, आई एम सॉरी, तुम्हारा पहला बुरा जा है। हाँ था तो, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ और केन को लेकर आती हूँ। भाई केन को लेके आओ यार, केन रिंग मास्टर है ना, तो सबको ठीक कर सकता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। छोटी सी प्रॉब्लम? ओके भाई, ये सर्कस बहुत बड़ा है ना। ओए, ओए। पानी भी है। ओह माय गॉड, ये क्या है? कितना मुक्के खाएगी? केन? ओ कॉफ़मो, ओ देख लिया। एक मिनट, इसने कौन सी आंख से देखा है? इतनी सारी आंखें हैं इसकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के कचरा क्वीन के गुफा में इस्तेमाने की, वो भी तब जब मैं खाना खा रही हूँ? तो तुम कचरा क्वीन हो? बोले तो तुम कचरा खाती हो ठीक है, लेकिन बोलती हो तो भी ऐसा लगता है कोई कचरा फेंक के मार रहा हो। इतनी बड़ी गुस्ताखी, कछुए से रेस में हारने वाला खरगोश रानी के सामने शेर बन रहा है। तुम रानी हो तो हम भी राजा हैं, फिर भी विनम्रता से पूछते हैं कि ओ वो देखो, हाय जुबल। ये रही, क्या कह रहे हो, मदद करो। पकड़ रखो अपनी जेब में, जाओ मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। स्टोन पेपर सीजर। मैं हमेशा हार जाती। जीत गया। के? पकड़ लिया। अबे हाथ चला गया इसका। ओ। किंगर तुम किसी काम के? खा गई। चलो किस्सा खत्म। वाव। है? ग्लिच हो गया? चिपना होगा कहीं चिपना होगा। ये अपने आप को पहली बार आईने में देख रही है। ओ, उसको यकीन नहीं हो रहा। है? कॉफ़मो। अच्छा ये जो भी हिल रहा है ना कॉफ़मो, उसके पीछे जा रहा है, जो भी चीज उसको हिलती हुई दिखती है वो उसको, ओ माय गॉड, पूरा खत्म कर देता है। कॉफ़मो पूरा पागल हो चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये केन कहाँ मिलेगा?
और एग्जिट दिख गया पॉमनी को, चलो बाहर जा सकती है। मतलब बाकियों को नहीं दिखा था क्या आज तक एग्जिट? ये तो बड़ा सामने ही था। और ये कहाँ आ गई? एक और एग्जिट। ओके वो शायद वही रूम है ना, अब रूम चेंज हो गया। ओ ये लूप में फंस गई और एग्जिट का डोर भी चला गया। और ये पॉप मुंह यहाँ पागल हो रखा है। इसको इतने डायलॉग किसने दिए रे? अपने पास फालतू टाइम नहीं है खोटी करने को, तो अपन ही कर। उसमें नीचे आ गया। शुक्र है तुम ठीक हो। क्या तुमने उसके पेट में कोई शाही खजाना देखा? मैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? कॉफ्मो का कारनामा है रे, देखो और मजे लो। कॉफ्मो में भूत घुस गया? अरे भूत नहीं रे, शैतान। तो भागो, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? आंखें खोलो और वो देखो। एस्केलेटर। चल अंडरग्राउंड। लेडीज लोग, भलाई का जमाना नहीं है, भाग। एक मिनट, पॉमनी तो यहाँ पर है ही नहीं। ये सब उसी के लिए तो हो रहा था ना? मोहन गर्वे, सन्नाटे की आवाज सुनने दे। सन्नाटे की आवाज सुनने दे। और ये तो लूप में फंस गई यार पॉमनी तो। ओ माय गॉड, एग्जिट के नाम पे। कहाँ चली गई ये? ये तो बाहर ही नहीं निकल पाएगी। एग्जिट इसका मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं? यहाँ पर कंप्यूटर देख रही है, वो हेडसेट भी पड़ा है वहां पे। उसका दिमाग खराब हो रहा है। ओह माय गॉड, सी एंड ए लिखा हुआ था ना यहां से। ये ये पूरी पागल होती जा रही है, ये भी कॉफ मुंह की तरह। अरे तो वो सुनने है ना वॉइड, जिसके बारे में केन ने मना किया था, बोला था यहां के बारे में हम लोग को इतना नहीं पता, वहां गई है। और ये तो यहाँ पे क्या डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है? ओ बबल, तुम हमेशा ऐसे ही हंसी के बुलबुले बबल के साथ डेट पे आए हो। ये क्या है? मेरे वैक की वॉच पर खतरे की घंटी, वो भी इस समय? वैक की वॉच? ओ तेरी, किसी ने शून्य में एंट्री मारी है, वो सेंटी और मेंटल हो सकता है। कोई भी शून्य में एंट्री मारता है तो इसको पता चल जाता है, ये देखो। ओ अब तुम सेफ हो, शून्य में कोई नहीं जा सकता, इसको पता चल गया। कौन सा तूफान आया था भाई? अरे हाँ, मैंने ही भेजा था। केन, कॉफ्मो को पगलेरिया हो गया है और वो बावला हो गया है। पगलेरिया? कॉफ्मो बावला हो गया? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो बेटा, तहखाने में चलो। अरे ये उसके जैसे और भी है। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कॉफ्मो ने इतनी जल्दी हार मान ली। देखो बुरा मत माना किंगर, पर मुझे लगा था कि तुम जाओगे। शुक्रिया। अच्छा मतलब जो भी एग्जिट के बारे में बहुत बार सोचता है ना, वो कॉफ्मो की तरह पागल हो जाता है। तो जितने भी लोग पागल हो गए उन सबको उसने नीचे में बंद कर रखा है। अच्छा इसलिए लोग एग्जिट के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, एडवेंचर करते रहते हैं। और अभी हम लोगों ने देख लिया पॉमनी एग्जिट के बारे में सोच रही थी, तो उसके साथ क्या क्या हुआ है भाई? बोले तो किंगर पर किसी चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते। ये लगा था।
ये तो एक चुटकी में ठीक कर दिया इसको। ओके भाई, रिंग मास्टर कमाल का है कीन। और ये लोग, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम सब से एग्जिट के बारे में झूठ कहा। मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर एक्चुअली क्या करूँ, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि दरवाजे के दूसरी तरफ डालूं तो क्या डालूं, और फिर वो काम रहते रहते अधूरा ही रह गया। और तुम तो जानते हो मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा अधूरा काम देखकर मुझे भला बुरा कहे, खासकर अगर वो दरवाजे से होकर तक पहुंच जाए। चलो अच्छी बात है, तुमने ग्लोइंग क्वीन को हरा दिया है, इसका मतलब तुम एडवेंचर जीत गए, और तुम्हारा इनाम है एक स्वादिष्ट डिजिटल दावत जिसे बनाया है हमारी अपनी बबल ने। अपने प्यारे प्यारे बुलबुलों से। मेरे पेट में कछुए कूद रहे हैं। पर तुमने तो कुछ मेहनत ही नहीं की। हाँ तो क्या है, मुझे भूख नहीं लगेगी। वैसे लगनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में भूख प्यास नहीं लगती और नींद भी नहीं आती, और इसीलिए यहाँ का डिजिटल खाना भी बस देखने लायक ही होता है, उससे हमें कोई पौष्टिकता भी नहीं मिलती है। अरे जाओ ना, नकली खाना है। तुम कब से ज्ञानी बाबा बन गए, सब डिजिटल है यहाँ पे। मैं कौन हूँ? ये लोगों को भूख ही नहीं लगती और ये पागल हो रही है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सपना है कि सच है, और ये सब फेक खाना है, डिजिटल खाना है ऑब्वियसली। पोमने को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ ये लोग, बाकी लोग तो बहस कर रहे हैं और ये पागल होती जा रही है, इसका दिमाग फट जाएगा ऐसा लग रहा देख के। और ये देखो सर्कस कितना बड़ा है, वाओ। ये वॉइड के बीच में कहीं पे है, वॉइड बहुत बड़ा है, और वॉइड कंप्यूटर के अंदर है, ये वही कंप्यूटर है। ओके, इसका मतलब वो एक पॉमनी यहाँ पर थी पहले, उसने हेडसेट पहना और फिर वो कंप्यूटर के अंदर में ही चली गई डिजिटल सर्कस में। ओके, काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये तो। अब तो इसके नए एपिसोड में मेरे को देखना है। वैसे चार दिन पहले इसमें बोला गया कि अभी इसका एपिसोड 2 भी जल्दी आएगा। चलो ठीक है, तब तक तुम लोग ये लास्ट वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। तब तक वेट करते पॉमनी का क्या होता है, तब तक तुम लोग ये वीडियोस एंजॉय करो। चलो हम लोग बोलते हैं।